भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहा है। चौथी तिमाही में हमने देखा इरिडा का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो 35% बढ़ा, तो मुनाफे में 33% की बढ़ोतरी रही। हालांकि निम्स में हल्का दबाव जरूर रहा, और इस बार के नतीजों और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कंपनी के CMD प्रदीप कुमार दास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम थोड़ी देर पहले आपके ही कंपनी के स्टॉक पर चर्चा कर रहे थे, एक्सपर्ट उस पर बहुत बुलिश हैं। एक तरह से जिस तरह की शाइनिंग नज़र आई है वो स्टॉक में भी नज़र आ रही है, कारोबार में भी नज़र आ रही है और नतीजों में भी नज़र आ रही है। तो चलिए, जो चीज़ अच्छी है उसकी तो हमने बात कर ली, आपको मतलब कहते हैं ना, खुद का इवैल्यूएशन करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको लगता कहाँ है सुधार की आवश्यकता कहाँ पर है इन नतीजों को देखते हुए? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। पहले तो हमारा जो शेयर प्राइस का मैटर है, हम लोग पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट का पार्ट है, तो हमें शेयर प्राइस से कुछ खास भी नहीं रहता। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हमारा जो फंडामेंटल से वो कायम रहे और हमारा ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस जो है वो स्टेबल रहे। तो आप अगर देखेंगे, चलिए लिस्टिंग तो अभी हुआ, अगर कोई एनालिस्ट डीप डाउन करें, 12 क्वार्टर हो चुका लगातार हमारा वृद्धि हो रहा है, और बेस बढ़ने का बावजूद भी आज लोन बुक हम 27% CAGR पे रखे हुए हैं। सैंक्शन और डिसबर्समेंट 25% में भी है, तो सैंक्शन 25% का होने का बावजूद, डिसबर्समेंट 25% का होने का बावजूद, बट लोन बुक का रिटेंशन होना, क्योंकि लोन बुक का CAGR उससे ज़्यादा है। आज का दिन में रिन्यूएबल में जो वैनिला आ रही है, काफ़ी कॉम्पिटेटिव मार्केट में है, वो बैंक्स भी आ रहे हैं, लेंडिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो 12 क्वार्टर का परिणाम आया हुआ है, और डीप डाउन कोई करे उनको साफ दिखेगा, फंडामेंटली हम डे बाय डे स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। सेकंड, हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम है वो हम ग्रेजुअली रिड्यूस करते जा रहे हैं। इस बार जैसे हमने 19 दिन में रिजल्ट पब्लिश किए, बैंकिंग नॉन बैंकिंग स्पेस में हम पहला कंपनी देश में है जो रिजल्ट रिपोर्ट किए हैं। तो ये सबसे बड़ी ये है, हमें इम्प्रूवमेंट करना है, बहुत सारा एरिया अभी भी है। जैसे हमारा IT सिस्टम है, हम चाहते हैं कि हम एटलीस्ट 5 से 10 साल बाकी हमारे कंटेम्पोरेरी से IT में हम हेड रहे, एटलीस्ट 5 साल आगे रहे, जो कि हम नहीं थे पहले। ये बात को मैं मानना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म में। दूसरा, IT का साथ साथ सिंस न्यू एंड इमर्जिंग RE फाइनेंसिंग करना एक चैलेंज है, इसमें लीगेसी प्रोसेस से काम नहीं हो सकता है, हमें पीरियडिकली प्रोसेस को भी रिविजिट करना है, रिडंडेंसी आइडेंटिफाई करना है, हमारे डेवलपर स्टेक होल्डर उनके साथ भी क्लोजली जुड़ना है। जैसे हम एक संस्था है बैंकिंग नॉन बैंकिंग में, जो हर क्वार्टर में हमारे बोरोवर जो हम उनको बिजनेस पार्टनर मानते हैं उनके साथ रेगुलर इंट्रैक्शन करते हैं, मीटिंग करते हैं, उससे क्या है कि हमारा एसेट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, प्रोसेस हम रिडिफाइंड किए हैं, रिडंडेंसी काफ़ी अचीव किए हैं, एज ए रिजल्ट हमारा टर्न अराउंड टाइम जो है सबसे कम है। अब देखिए 37 साल का कंपनी हमारा, तो एक्सपर्टीज इस एरिया में है, बट न्यू एंड इमर्जिंग में जब नया कुछ चीज आता है उसमें हम जितने पुराने हैं उतना बाकी लोग भी हैं, बट उसमें भी एक्सपेक्टेशन रहता है स्टेक होल्डर का कि हम उसमें पहले आके कुछ करें। जैसे एथेनॉल में आप देखेंगे 1.5 साल पहले हमने शुरू किया, ई मोबिलिटी को भी जो रिटेल लेवल में भी, जैसे 4-व्हीलर पर्टिकुलरली, उसको भी 1.5 साल पहले हमने इनिशिएटिव लेके किया। आज ये सेक्टर धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, एटलीस्ट फेयर अमाउंट ऑफ एसिमेट्री इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिड्यूस्ड। तो ये जितना जानकारी क्लियर होगा मार्केट में और सेक्टर में, उतना जल्दी स्पीड में प्रोजेक्ट लगेंगे। और आज हमारा करीब 191 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी हुआ है RE में, हमें 310 और अचीव करना है 2030 तक। बिजनेस काफी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को संयम के साथ, डिसिप्लिन के साथ हमें अप्रोच करके आगे करना है। और हमारा टीम का कमिटमेंट यही है कि हम बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे, डिजिटाइजेशन को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है ओवरऑल आउटलुक हमने बताया, कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं पूजा बात कर रही हूँ। आपके नतीजों में जो NPA का मूवमेंट हुआ है उस पर थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। आने वाले समय में एसेट क्वालिटी को लेकर, NPAs को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका?
जिसे मैंने 12 क्वार्टर का बात बताया, मार्च 20 का नेट एनपीए देखेंगे 7.18 था और आज 0.99 पे आ चुका है। ये सिर्फ लोन बुक बढ़ने से परसेंटेज घटा नहीं है, हमारा रियल रिकवरी हो रहा है स्ट्रेस एसेट से, और मोस्ट ऑफ द रिकवरी में आई थिंक मोर देन 97-98% रिकवरी में हमारा कोई सेक्रीफाइस नहीं है, रादर हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट भी रिकवर किए हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज है। तो हमारा एब्सोल्यूट टर्म में रिकवरी इंप्रूव हो रहा है, लोन बुक बढ़ रहा है, जो रिजल्ट कर रहा है 0.99। हमारा टीम का एक सपना है कि हम बहुत जल्दी उसको जीरो पे ले जाएं नेट एनपीए को, और ये अचीवेबल है। ठीक है दास साहब, जो सबसे बड़ी उपलब्धि हाल फिलहाल की है वो कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिलने की है, जाहिर सी बात है ये एक तरह का हौसला तो बढ़ाती ही है बड़े लक्ष्यों की ओर देखने के लिए, जो आपकी पूरी तैयारी है उसके लिए फ्यूल का काम करती है, जिम्मेदारी भी बढ़ा देती है। जैसा आपने 2030 के लक्ष्य की बात की कि आप और आपकी पूरी टीम अपनी प्रतिबद्धता जो है उन बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ा रही है, हमें कुछ बता सकते हैं कि नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद जो जिम्मेदारी बढ़ी है उसके लिए हम किन चीज़ों की ज़्यादा उम्मीद करें कंपनी के कारोबार में आगे के विस्तार में? देखिए आज भी मार्केट शेयर अगर देखने जाएंगे एनबीएफसी लेंडिंग में, रिन्यूएबल में जो लेंडिंग है उसमें हमारा 31% मार्केट शेयर है, बाकी सारे एनबीएफसी को मिला लीजिए उसमें हमारा 31% है, वो हम सबसे बड़े लेंडर है इसमें, और हम ही एक बड़े संस्था है, सबसे बड़े संस्था है जो पूरा ग्रीन फाइनेंसिंग करते हैं, हमारा ग्रुप में नॉन ग्रीन कोई चीज है नहीं, बाकी जो बड़े बड़े एनबीएफसी है स्पेस पर अभी करने लगे हैं उनका 6-10% का रिन्यूएबल स्पेस में है, बाकी छोटे छोटे एनबीएफसी भी है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आगे चल के जैसे हम शेड्यूल बी से शेड्यूल ए बने सितंबर में, और मिनी रत्न से अभी नवरत्न में बने, हमारा जो निवेदन भारत सरकार के पास था ये लगभग साल भर से चल रहा था, और भारत सरकार का एक प्रोसेस है मापदंड है, उसको पार करने के बाद वो हमें वो अक्रेडिशन देते हैं, फाइनली हमें मिला लास्ट फ्राइडे को। तो अब इसके बाद सिर्फ एक पड़ाव बचता है, अगर हमें पब्लिक सेक्टर स्पेस का बात करूं तो महारत्न, तो हम कोशिश करेंगे कि 2000 आपने 2030 बताया तो 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि हम नवरत्न से महारत्न तक पहुंचे, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगा क्योंकि इतना कम समय में, क्योंकि महारत्न बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा। हमें नवरत्न मिलने पे जो ऑटोनॉमी मिलेगा भारत सरकार, ऐसे भी आज का दिन में हमारे जिस तरह का गवर्नेंस कंट्री में है या हम लोग पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं, इतना इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का कोई हमें तो एटलीस्ट इरेडा को फील नहीं हो रहा है, हमारे मंत्रालय पूरा हमें सपोर्ट किया जब भी जो मांगे हैं, हमारे मंत्री जी भी किए हैं, सेक्रेटरी साहब भी किए हैं, जब भी कैबिनेट सेक्रेटरी से चाहे वो भी मिला है, प्रधानमंत्री जी का ऑफिस से जो भी सहयोग मिला है सब जगह से मिला है, तो ऑटोनॉमी ये जो मिलेगा एक सर्टिफिकेट मिल गया, ऑटोनॉमी मिलेगा उसे थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, जो मार्केट का परसेप्शन है वो ज्यादा अच्छा बढ़ गया है, इससे हम उम्मीद करते हैं कि 5-10 पैसा कम से कम हमारा बोरिंग कॉस्ट पे इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमसे निवेश करेंगे जो पहले कर रहे थे उनका भरोसा थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, साथ साथ हमने जो ये आईपीओ लेके आए नवंबर में उससे जिस तरह का भरोसा इन्वेस्टर का हमारे ऊपर आया और लगातार बढ़ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो डेट इन्वेस्टर है वो भी इस चीज को देखेंगे, हमें और थोड़ा सस्ता पैसा लेंड करेंगे, तो 10-15 पैसा का नेट नेट हमें उम्मीद है कि कम मिलेगा हमें मार्केट से, जो हम सेक्टर में पासन कर सकते हैं सब्सटेंशियल पोर्शन उसका, जो हमारा स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है वो फर्दर बढ़ सकता है जी। जो सीएजीआर आज का दिन में हम 27% का होता बताए लोन बुक एडिशन में, हो सकता है और बढ़ जाए, और सैंक्शन डिसबर्समेंट जो 25% है हो सकता है उसमें भी काफी वृद्धि हो जाए जी। जी प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, समय की थोड़ी कमी है लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने नतीजों पर और विस्तार से जिस तरह से ग्रोथ योजनाओं पर हमें बताया, हमारे दर्शकों को समझाया, और आने वाले तिमाही के लिए भी सर ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और ये तो बात हुई।